नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये प्रॉमिस किया था और वीडियो में मैंने ये कहा था कि मैं आपके लिए गाड़ी के द्वारा होने वाले इंडिकेशन, जो सिग्नल लाइट चलती है, उनके बारे में सकते हैं। तो ये हमारे क्या बोलते हैं, जो इंडिकेशन लाइट्स कहलाती हैं, इन लाइट्स का काम क्या है। देखिए, मान लीजिए मैं अभी इसे ऑफ़ कर देता हूँ और कार की की बाहर निकाल लेता हूँ, तो जब हम कार का लॉक खोल देंगे तो हमारी ये लाइट ओपन होती है, जो कि सेट कर रखी होती है यहाँ से ऑन ऑफ या फिर डोर्स पर। तो ये तो इन बातों का ध्यान रहा, लेकिन जो अपनी कार की जो की है, जब इसे प्लग करेंगे, जो कि मैं कर देता हूँ, मैंने इसे लगा दिया है। अब मेरे को इसको इग्निशन के लिए ऑन करना है। जब मैं इसे इग्निशन के लिए ऑन करूँगा तो आप देखेंगे ध्यान से कि हमारे डैशबोर्ड में कुछ लाइट्स चलती हैं। तो इन लाइट्स का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इनका मतलब ये है कि आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो गोल वाली सर्कल सी लाइट जल रही है, इसके जो बगल में जो ये लाइट है, सबसे पहली ऊपर की लाइट, इसका मतलब है जिसमें से एक बॉक्स सा बना है जो कि ड्रॉप हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे ये हमारे इंजन के ऑयल को इंडिकेट करती है कि हमारे इंजन में ऑयल लेवल कैसा है, अगर वो सही है या नहीं है, हमें इन बात का भी ध्यान रखना है। और दूसरी, उसके बगल वाले जो हम ये गोल कलर की लाइट देख सकते हैं, ये हमारे हैंड ब्रेक की लाइट है। आप सभी जानते हैं कि हैंड ब्रेक कैसे लगाया जाता है। अब मैं इसको मान लीजिए रिलीज़ कर देता हूँ अगर अपने हैंड ब्रेक को, तो ये लाइट बन जाएगी। ये देखिए, अगर मैंने इसको रिलीज़ कर दिया तो मेरी लाइट बंद हो गई। अब मैं वापस इसे लगा देता हूँ। ये देखिए, मैंने अपने हैंड ब्रेक को वापस लगा दिया है, तो वापस ये हैंड ये लाइट जल गई है। चलिए अब बाकी बात कर लेते हैं दूसरी लाइट्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम उसके नीचे चलते हैं। जो एक बॉक्स में प्लस और माइनस का सिंबल सा बन रखा है, जो कि आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर वाली लाइट है, जो ये सेकंड रो में है, इसका मतलब है बैटरी। आपकी बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं, आपकी बैटरी सही है या नहीं, ये इंडिकेट करती है। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हमें इन बातों का ध्यान होना ज़रूरी है। और दूसरी, हम उसके नीचे जाएंगे, येलो कलर की हम ये लाइट देख रहे हैं, इसका मतलब है ये एक फंक्शनल लाइट, फंक्शन की लाइट होती है। हमारी कार में एक फंक्शन फिट होता है, जो कि हर चीज़ से फिट होता है, मतलब हर सर्किट से फिट होता है। जैसे कि कोई भी अगर सर्किट वगैरह काम नहीं करना करते बंद कर देते, या तो ये ब्लिंक करने लग जाएगी या तो ये बंद हो जाएगी। तो हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी, हम उसके बगल में देख सकते हैं ये येलो कलर की लाइट, जिसमें सर्कल एक स्टीयरिंग बन रखा है। इस लाइट का मतलब ये है कि हमारी गाड़ी का पावर स्टीयरिंग अभी ऑन नहीं है, और जब हम इसको स्टार्ट कर देंगे पावर स्टीयरिंग ऑन हो जाएगा। और हम तीसरी यहाँ पे देख सकते हैं, और ये अगली हम जाएंगे इधर, तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं एक तो येलो कलर की लाइट है, जो कि हमारी गाड़ी के लॉक को बताती है। अभी क्योंकि मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं की, तो मेरी गाड़ी का लॉक इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस लाइट से। तो और दूसरी, उसके बगल में है सीट बेल्ट की लाइट। अगर मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, सभी जानते हैं सीट बेल्ट कैसे लगाई जाती है, तो हम इससे समझ जाएंगे कि ये सीट बेल्ट लगाने से ये लाइट बंद हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, हम इंडिकेटर्स लाइट की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीवर दे रखा है, अगर मैं इसको लेफ़्ट की तरफ करूँगा तो हमारे इसमें लेफ़्ट का ये इंडिकेटर जलने लगेगा, और इसे सिंपली वापस उसके बीच के नीचे ले आऊँगा तो ये बंद जाएगा। अगर मैं इसको नीचे की तरफ पुश करूँगा तो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे राइट का इंडिकेटर ऑन हो चुका है, और मैं अगर वापस इसको उसी नॉर्मल बीच की पोजीशन में लाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा। और दूसरा है हमारा यहाँ पे हज़ार्ड लाइट्स। हज़ार्ड लाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बटन दे रखा है। मैं अभी वैगनर PXI मॉडल में हूँ, तो इसका बटन यहाँ पे है। कई जगह पे इसका बटन इस जगह पे भी दिया होता है, और चेंज हो रखी होती है लोकेशन। अगर मैं इसे प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ की इंडिकेशन लाइट ऑन हो चुकी है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि गाड़ी के अंदर इंडिकेशन लाइट्स क्या क्या होती हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए अभी एक नया यूट्यूबर हूं, और धीरे धीरे आपके लिए इस तरीके से वीडियोस लेके आता रहूँगा।